iPhone 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी क्या बातें हैं जो मुझे फॉर श्योर कंफर्म पता है iPhone 14 के अंदर नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। ये है मेरे पास iPhone 13 Pro Max। 14 Pro Max का जो डिजाइन है या 14 सीरीज का जो डिजाइन है वो मोर और लेस काफी हद तक सिमिलर होने वाला है। इससे क्या बदलाव आएंगे, एक नया कलर इंट्रोड्यूस होने वाला है, पर्पल कलर की शेड, ऐसा इंटरनेट पे लीक्स आ चुकी है। हो सकता है iPhone 14 सीरीज के अंदर और प्रो सीरीज के अंदर हमको देखने को मिल जाए। उसके अलावा नीचे टाइप सी का पोर्ट नहीं आएगा, ऐसा अनुमान कई लोग लगा रहे थे कि इस साल iPhone 14 सीरीज के अंदर टाइप सी का पोर्ट आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, सेम लाइटनिंग पोर्ट रहने वाला है। उसके अलावा चार जो टोटल iPhones आने वाले हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूं, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max। जी हां, इस बार मिनी नहीं आएगा, iPhone 14 का मिनी मॉडल लॉन्च नहीं होने वाला है। उसके अलावा क्या है अलग बदलाव, जो नए प्रोसेसर आने वाले हैं वो लिमिटेड रहेंगे iPhone 14 Pro और Pro Max के अंदर। जी हां, iPhone 14 और 14 Max के अंदर आपको सेम iPhone 13 Pro Max वाला A15 बायोनिक चिपसेट ही मिलेगा। A16 बायोनिक चिपसेट लेने के लिए आपको प्रो वेरिएंट्स देने पड़ेंगे। कैमरा के अंदर भी काफी बदलाव आने वाले हैं इस बार iPhone 14 सीरीज के अंदर। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस लगाया जाएगा। 12 मेगापिक्सल के लेंस काफी टाइम से देखे जा रहे हैं आईफोन के अंदर, तो 50 मेगापिक्सल भी अपग्रेड हो सकता है। उसके अलावा एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर भी काफी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका इनवाइट था वो कहता है फार आउट, तो फार आउट से कई लोगों ने इसका ये मतलब डिसाइफर किया है कि हो सकता है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी की तरफ थोड़ा सा आईफोन यहाँ पे लिंक करे। लेकिन मेरे हिसाब से लो लाइट फोटोग्राफी में काफी काम किया जाने वाला है iPhone 14 सीरीज के अंदर। उसके अलावा एक और जो कैमरा डिपार्टमेंट में अपडेट है वो ये है कि जो सेल्फी कैमरा है उस पर बहुत काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो फोन का प्राइस है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके अंदर ऑटो फोकस वाला फीचर आ जाएगा और ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज ऑन एनी स्मार्टफोन होगा। तो ब्लॉगर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स और मोबाइल ब्लॉगर्स के लिए तो ये बड़ा अच्छा एड ऑन फीचर होने वाला है। डिस्प्ले के अंदर LTPO डिस्प्ले आपको हो सकता है सारी सीरीज के अंदर मिले और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली भी नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर मिले। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाएगी iPhone 14 सीरीज के अंदर, ये भी एक और अनुमान है। अभी भी बॉक्स के अंदर चार्जर मिलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। बैटरी और चार्जिंग के अंदर भी ज्यादा खास अपग्रेड्स नहीं आएंगे। बैटरी की जो एफिशिएंसी है उस पर ऑफकोर्स ज्यादा काम किया जाएगा। बट मोर ऑर लेस ये ही थी कंफर्म बातें जो हमें पता है कि iPhone 14 सीरीज के अंदर आने वाली है। एक और आखिरी में जाते जाते आपको बात बताऊं तो कहीं लोगों का ये भी मानना है कि सैटेलाइट कॉलिंग शायद iPhone 14 सीरीज के साथ लॉन्च हो जाए, जिसका ये मतलब है कि अगर आपका फोन का सिम का कनेक्शन भी नहीं आ रहा है और आप कहीं फंस गए हैं तो आप सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को इमरजेंसी यूजेस के लिए। iPhone 14 सीरीज में मेरे हिसाब से तो ये नहीं आएगी, 15 सीरीज तक हमको इसका वेट करना पड़ेगा। बट आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए कि ऐसा क्या फीचर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि iPhone 14 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाए। और जी हाँ, जाते जाते अगर प्राइसिंग की बात भी करूँ तो थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है पिछले साल की iPhone 13 से, क्योंकि दुनिया भर में चिप शॉर्टेज चल रही है, साथ में ही फोन के अंदर भी कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड होने वाले हैं। तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखता हुआ एक्सपेक्ट करें कि फोन थोड़ा सा महंगा होगा, इंडिया में अराउंड 5 से 10 हज़ार रुपए का इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइए आपका फेवरेट आईफोन फीचर कौन सा है।